प्रतिनिधि बनता है कोई किसी का, मगर जब वास्तव में मेरा ये दर्द है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था उस समय, आपको भी याद हो तो उन्होंने कहा था 10 साल तक के लिए आरक्षण रखो। 10 साल की कल्पना उन्होंने ये की थी कि 10 साल में एक ऐसे समाज की रचना हम स्वतंत्र भारत में करें कि उस समय सभी को हम ऊपर ले जाएंगे एक लेवल पे कि फिर आरक्षण की आवश्यकता नहीं, इसलिए उन्होंने 10 साल की करी। तो मैंने कहा हम वैल्यूज को लेकर के या सारा सार विचार करना हमने कम कर दिया, और इसलिए आज हम क्या करते हैं, रिचुअल्स करने लगे कि मैंने 2 बार मेरे सामने वो संशोधन आया कि हम हर 10 साल में चर्चा होती है और नोबडी वांट्स टू टेक रिस्क, या यू कहिए कि हम मानते हैं कि ये विकास हुआ ही नहीं है, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है जो अंबेडकर जी की कल्पना थी, और इसलिए हम क्या करते हैं 10 साल आरक्षण बढ़ा देते हैं। आई डोंट मीन कि आरक्षण नहीं दो, मेरा यह कहना था इस पर भी तो विचार करो कि वाई जो अंबेडकर जी की कल्पना थी हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या हम उसके लिए करें। ये लोकसभा में ये वास्तविकता है, आपने भी देखा हो तो 10 साल में एक प्रस्ताव आता है और सभी पार्टियां मिलकर के यस 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 ये होना चाहिए और 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दो, बट नोबडी डिस्कस। तो मैंने कहा इसकी, और इसलिए मैंने स्मार्ट सिटी के लिए कहा डोंट डू लाइक दैट कि स्मार्ट सिटी यानी गवर्नमेंट से 2 करोड़ आएंगे आप 2-4-5 सड़कें बना दोगे कुछ, इट इज नॉट समथिंग स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में एक व्यक्तिमत्व डेवलप होना चाहिए और अपेक्षा आपसे ये की जा रही है, और इसलिए लोगों की बैठकें करने के लिए कहा है स्मार्ट सिटी, और लोगों से सुझाव लो और वैल्यूज बढ़ना चाहिए, लोगों के मन में भाव आना चाहिए ये मेरा शहर है। तो मेरा ये कहना था उन लोगों के मन में ये भाव आना चाहिए ताकि ये मेरा देश है, मुझे यहाँ सभी प्रकार की पॉसिबिलिटीज है, आई कैन, मैं भी सबके साथ बैठ सकता हूँ, वी कुडंट डू इट, ऐसा होता है इसलिए तुम 10 साल बढ़ा रहे। मेरा अर्थ ये था इसमें, ना आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये सवाल नहीं था, मेरा ये कहना था चर्चा इस तरीके से वी हैव टू तोल मोल हमें करते आना चाहिए, एंड अबाउट स्मार्ट सिटी आई वाज सेइंग, सो इट इज नॉट फॉर आरक्षण समथिंग आई वाज सेइंग। मैंने उसका उदाहरण इसलिए दिया कि मेरे अपने पार्टी में भी चर्चा होती थी कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या एवरी 10 ईयर्स हम इसको पास, बोले पास तो कराना पड़ेगा, मैंने कहा यस पास तो कराना पड़ेगा मगर वैल्यूएशन कब करेंगे, पार्लियामेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा, और अगर हमारे प्रोग्राम्स में हमारे प्रोजेक्ट में कुछ कमी है जिसके कारण हमें यह 10 साल बढ़ाना पड़ रहा है तो उसके बारे में कौन सोचेगा। और इसलिए मैं अगेन यहां पर जो मैं बात करने आई और सबको मैंने बोला कि बजट सेशन इज ओके, आपके पास बिल नहीं है ओके, मगर आपके पास ऐसे कई सारे विचार हो सकते हैं जिस पर विधानसभा में चर्चा हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट ढंग से लोगों तक पहुंच नहीं रहा है या उसमें कुछ खामियां हैं,